नमस्कार, मैं सुशील स्वामी और आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन पर चक्रांतों की चादर पर आधारित सितारे पुलिस के यूट्यूब चैनल। जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत शर्मा के दिशा निर्देशन में गंगानगर जिले में नशा मुक्ति का एक मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के अंतर्गत कई कुछ चुनिंदा गांवों में कुछ चुनिंदा जगहों पर नशा मुक्ति के लिए आदि प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सेवानिवृत्त DSP तुलसीदास पुरोहित के द्वारा आज इस मुहिम में शामिल होते हुए इनके द्वारा गंगानगर से पदमपुर के बीच में एक साइकिल यात्रा निकाली गई और इसके दौरान इनके द्वारा रास्ते के गांव वालों से संपर्क किया गया और उनको गंगानगर जिला पुलिस की नशा मुक्ति मुहिम के बारे में अवगत कराया गया। वे इसी के साथ ही नशा मुक्ति मुहिम में गांव वालों से पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की गई तथा उनको नशा मुक्ति की आदि के लेकर शपथ भी दिलाई गई। सर बताएं, सर आप अभी तक ये अभियान चला रहे हैं। श्रीमान एसी साहब और हेड एसी साहब ने जब मैं तारीख देखी बताया था, मुझे बताया कि आप नशा मुक्ति पे काम कर रहे थे, अभी आपको करना है पुलिस के लिए काम करना है, क्योंकि पुलिस की मैंने रोजी रोटी कमाई है उसी से, वो आज भी रोटी उसी से खा रहा हूँ, तो मेरा भी नैतिक दायित्व बनता है। गंगानगर की जनता ने जो मुझे मेरे यहाँ रहने के दौरान सहयोग दिया था, उसके कारण जो सम्मान दिया था, मेरी भी इच्छा है कि गंगानगर नशा मुक्त हो। इसी के तहत हमने जो सहयोगी संस्था है लॉयन क्लब, उनके साथ हमने साइकिल यात्रा की थी यहाँ से पदमपुर के लिए। वापस आते वक्त गांव-गांव में ये मैसेज दिया कि आप लोग पुलिस का सहयोग करो, पुलिस आपका सहयोग करेगी, आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है उसको बचाइए और गंगानगर को नशा मुक्त बनाइए। इस संदेश के साथ हमने लगभग 80 किलोमीटर यात्रा है जो साइकिलों पर आज की है और आम जनता को नंबर भी दिए। SP साहब ने उनके आश्वासन पर हमने उनको आश्वासन दिया जनता को कि आप नशे के सौदागरों के नंबर दीजिए और वो जहाँ बेचते हैं उनकी जगह बताइए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और पुलिस हर कदम पे आपका सहयोग करेगी।